नमस्कार। ये वीडियो है, देखिए और हम खुद भी बात करते हैं और कई लोग वही बात कर रहे हैं या फैलता मार्केट में कि MBBS अब्रॉड के लिए हम कंट्री कैसे चुनिए, कौन सी कंट्री में जाएं, स्पेशली जो 18 नवंबर 2021 के बाद के रूल्स आए हैं उसमें कौन सी कंट्री पूरी तरह से फिट हो रही है। मैं आपको सच बताऊँ, इवन टुडे अभी भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बाबर कहते हैं, जो वो लोग होते हैं जो उन कंट्रीज़ में रहते हैं और जिनके साथ हम डील करते हैं, दे स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट एंड दिल स्टिल ट्राइंग टू कम आउट विद द कम्प्लीट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। बट डेफिनेटली हम जानते हैं कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्योंकि NMC के 3 रूल आपको बताया ना, 4.5 साल का कोर्स प्लस 1 साल की इंटर्नशिप उसी कंट्री में, दूसरी बात वो पढ़ाई इंग्लिश में होनी चाहिए, कॉलेज के अंदर मेडिकल हॉस्पिटल होना चाहिए, और चौथी चीज़ कि आपको उस देश में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलना चाहिए। यू आर एबल टू रजिस्टर इन दैट स्टेट कंट्री एंड बी एबल टू प्रैक्टिस। नाउ दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी ट्रिकी पार्ट। तो रशिया में जैसे पढ़ाई आप इंग्लिश मीडियम में करेंगे, पर जो रशिया कंट्री पेपर लेती है वो रशियन में लेती है, तो अगर आप हम वो कर सकते हैं तो वी आर फाइन। तो उस तरह की चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, लोग ना मुझसे बाबर यही सब, तो अभी मैं कहूँगा अगले 1 महीने में ये चीज़ और फिगर आउट हो रही है कि कौन सी कंट्री है जो परफेक्टली फाइन है। और मैं ना हमेशा सलाह देता हूँ, मुझे पता है कि मेरे खुद ही दोस्त जो मेरे कंपटीटर भी हैं वो मुझसे नाराज़ होते हैं, MBBS अब्रॉड की किसी भी कॉलेज में जाने के लिए कोई इमरजेंसी एज ऑफ नाउ नहीं है, मे बी अदर देन नेपाल। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए नेपाल में गिन के कॉलेज हैं और गिन के सीटें हैं, और ये भी आपको समझना पड़ेगा, नेपाल बांग्लादेश चाइना वो फैक्ट्रियाँ नहीं हैं कि भाई जितने मर्जी बच्चे चले जाएँ। तो इन तीनों देशों में हर एक कॉलेज में सीटें ना लिमिटेड होती हैं, और लिमिटेड बहुत ही लिमिटेड है कि नेपाल के मणिपाल में गिन के 33 सीटें हैं, आउटसाइडर के लिए 66 हैं लोकल के लिए, अब वो 33 की ना 50 नहीं हो सकती हैं। और सच्चाई की बात यह, बाकी देशों में क्या है, देयर इज एक्चुअली नो लिमिट। तो उज्बेकिस्तानी कॉलेजेस हों या कजाकिस्तान के हों किर्गिस्तान के हों, सीटें कमी नहीं भरती हैं। और तभी आप सुनते हो ना कि एक ही बैच में 300, 400, 500 बच्चा गया एक ही कॉलेज में, वो नहीं कंट्री में जाता है। आप कभी नेपाल में ये नहीं सुनेंगे कि एक कॉलेज में 100 बच्चे गए, क्योंकि सीटें ही 33 हैं, उस 33 में सिर्फ हम नहीं हैं, श्रीलंकन बहुत नेपाल आते हैं, पाकिस्तानी बहुत नेपाल जाते हैं, वी हैव टू कम्पीट विद ऑल ऑफ देम। बांग्लादेश में इसलिए सीटें फिक्स हैं हर कॉलेज में, चाइना में फिक्स हैं हर एक कॉलेज में, फिलीपींस तो अब आउट ही हो गया है। तो इन 3 कंट्री में अगर आपको जाना है तो शायद फिर भी आपको हड़बड़ी दिखाने की ज़रूरत है, बट मोस्ट ऑफ द रशियन, जॉर्जियन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान में आपको अभी एमरजेंसी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अलावा ना, पर्सनली स्पीकिंग मेरे पास और बहुत फ़ोन आते हैं, कस्टमर ही कभी कभार ना क्लाइंट सवाल पूछता है उसको आंसर देते थे, मुझे लगता है कि मैं सबको आंसर दे दूँ, तो उनके पास कहीं से आया होगा ईरान के किसी कॉलेज के या इजिप्ट का कोई कॉलेज, और मुझसे पूछते हैं सर, तो मैंने कुछ बोला, अरे सर मैंने यही देखा है कि जो लोगों का कनेक्शन नहीं होता वो नेगेटिव बोलते हैं। मैं कहा जी नहीं, ज़रा मेरी बात पूरी तो सुनिए। मैं कहा, और मैं सब क्लाइंट्स को ना बड़ा खुल के बोलता हूँ कि मैं कंसल्टेंट हूँ जी, मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना वो दिक्कत होते हैं। तो अगर आपको अभी भी नहीं पता MBBS अब्रॉड सेगमेंट में, देखिए जिस भी आप कंसल्टेंट से मिलोगे वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा, पर कॉन्ट्रैक्टर वो होते हैं इस लाइन में हमारे सेगमेंट में जिनका एक पैर इंडिया में, एक पैर उस कंट्री के उस कॉलेज में होता है। तो यहाँ मैं नाम नहीं ले सकता, बट एक कॉन्ट्रैक्टर है जो चाइना के 3 कॉलेज से कॉन्ट्रैक्टर है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो जॉर्जिया के 4 कॉलेज का कॉन्ट्रैक्टर है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो किर्गिस्तान के 2 कॉलेज का, एक है जो उज्बेकिस्तान के 2 कॉलेज के हैं, और हम इन सबको जानते हैं हम जैसे सारे कंसल्टेंट्स। ये कॉन्ट्रैक्टर का डेफिनेशन ये है कि ये B2C काम अक्सर नहीं करते हैं, वो बच्चों से डायरेक्टली बात नहीं करते, समझे बात, पहली बात, क्योंकि वो लोग तो वहाँ रहते हैं उन देशों में। हम जब आपसे डील करते हैं, आपसे फाइल उठाते हैं, हम उनको भेजते हैं, जो हम जब कहते हैं कि हमारे कॉलेज में डायरेक्ट है, तो कॉलेज का डायरेक्टर लेते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ डायरेक्ट है, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कॉलेज के बिहाफ पे ही बैठे हुए हैं वहाँ पर। क्योंकि देखिए मैं फिर से मैं खुल के कहता हूँ, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जो कि नेपाल और फिलीपींस के अलावा सारी हैं, उन देशों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। तो उज्बेकिस्तान या किर्गिस्तान या कजाकिस्तान या रशिया में गिने चुने लोग हैं जिन्हें इंग्लिश आती है। तो और मैं कॉलेज की बात करूँ, जो कॉलेज में जिसमें हमें इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, उस कॉलेज के स्टाफ को भी 90% को हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, दे जस्ट नो देयर लोकल लैंग्वेज। तो कौन वहाँ बात करेगा वहाँ के रेक्टर से, कौन करेगा? वो रेक्टर्स को भी मोस्टली इंग्लिश नहीं आती। जी हाँ, तो रेक्टर से बात करते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर्स, तो उस कॉन्ट्रैक्टर्स की एक और पहचान होती है कि जनरली उस देश की लैंग्वेज इनको बहुत अच्छे से आती है। जो रशियन के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्हें रशियन आती है, जो चाइनाई कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हें चाइनीज़ आती है, जो बांग्लादेश के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्हें बंगाली आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम इन लोगों से डील करते हैं, राइट?
मेरे जैसे जितने भी कंसल्टेंट हैं और पूरे हिंदुस्तान में कॉन्ट्रैक्टर गिन के 85 ही हैं, बाकी सब कंसल्टेंट हैं, बोलते ये कि हम डायरेक्ट हैं। अब एज ए गुड कंसल्टेंट आई नो ऑल दी गुड कॉन्ट्रैक्टर्स, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को ईरान भी भेजने में, इजिप्ट भी भेजने में, मोल्डोवा भी भेजने में, और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, चाइना भी भेजने में। तो हम सिर्फ ये देखते हैं, जो मैं देखता हूँ, मैंने उनको भी ये बोला कि सर जब 2 साल पहले कोविड आया था ना, जब रशिया यूक्रेन का झगड़ा हुआ, तो चूँकि यूक्रेन में हज़ारों में बच्चे थे ना टोटल, यूक्रेन में 5 साल में मिला के चूँकि वो 15,000 के करीब बच्चे थे, तो सरकार जागी। वो 15,000 का नंबर एक बड़ा नंबर होता है, वो जब पेरेंट्स पहुँचे तो सरकार ने एक्शन लिया और पूरा प्लान बनाया गया उन 15,000 बच्चों को यूक्रेन से निकालने का, राइट। मतलब लोग कहते हैं जी कि पुतिन ने भी एक दिन के लिए अपने हमले रोक दिए ताकि इंडियन बच्चे बॉर्डर पार करके पोलैंड चला जाएं, राइट। और जो लोग एक्चुअली यूक्रेन से वापस आए हैं वो आपको सच्चाइयाँ बताएंगे। अब मैंने कहा यार, तो मेरा बड़ा सिंपल लॉजिक है और ये मेरा पर्सनल लॉजिक है, गलती भी हो सकता है ना। तो मैंने उनको भी ये कहा कि जी पर्सनली विवेक गुप्ता, आई एम नॉट अ रिस्क टेकर, मैं गाड़ी भी वो लेता हूँ जो हिंदुस्तान में 5 साल से चल चुकी है, जिसकी 1 लाख यूनिट्स बिक चुकी है। मैं कभी भी वो गाड़ी नहीं खरीदूंगा जो 4 दिन पहले लॉन्च हुई है, बिल्कुल नई चीज़। देखिए मारुति कोई नई चीज़ लॉन्च करता है आपको पता चलेगी, बट जब मॉरिस गैराज इंडिया में आया तो मैंने ना खुद खरीदा ना किसी को रिकमेंड किया, जब तक उस कंपनी को 5 साल नहीं हो गए। क्योंकि हमने देखा है ना, डिफरेंट एग्जाम्पल दे रहा, फिएट कंपनी बंद हो गई, जनरल मोटर कंपनी बंद हो गई, फोर्ड कंपनी बंद हो गई इंडिया में, पता चला आपने अभी गाड़ी खरीदी 2 महीने बाद कंपनी ही बंद हो गई, मॉडल छोड़ो कंपनी बंद हो गई, तो कहाँ आपको सर्विस और स्पेयर पार्ट मिलेंगे, राइट। कैसे आप सर्विसिंग करोगे। यही लॉजिक है इस कंट्री और कॉलेज को चुनने में। कुछ कंट्री पुरानी है जहाँ बच्चे बहुत सालों से जा रहे हैं, वॉल्यूम में जा रहे हैं, बल्क में जा रहे हैं, वहाँ पर हमको पता है कि ऐसे इंडियन स्टूडेंट आपको ओवरऑल सपोर्ट मिल जाएगा। अब ईरान, इजिप्ट में एक ही कॉलेज या 2 ही कॉलेज आए हैं, हमारे पूरे इंडिया से 100 बच्चे 50 बच्चे गए और कल को कुछ ये कांड हो गया तो 50 बच्चों को सुनने वाला भी नहीं होगा। तो बस और कोई वजह नहीं है। तो जब मैं अगर उन कंट्री को अभी पॉजिटिवली नहीं बोलता, तो मैं भी उन सब कॉन्ट्रैक्टर को जानता हूँ, मुझसे कहते हैं सर स्टूडेंट दो, पर मैं ये कहता हूँ कि नहीं भाई, पहले या तो उस कंट्री में 5-6 कॉलेज और लाओ, कम से कम 5,000 बच्चे जा चुके हों, तब मैं अपना पहला बच्चा भेजूँगा, नहीं तो मैं ये पंखे नहीं लेता। इसलिए मैंने 2022 में एक भी MBBS अब्रॉड का बच्चा नहीं भेजा, क्योंकि बहुत क्लैरिटी अनक्लैरिटी थी रिगार्डिंग दिस न्यू रूल्स। और मेरे हिसाब से तो कोई भी कंट्री 2022 में 100% फुलफिल नहीं कर रही थी, मतलब कर रही होगी पर मेरी नॉलेज में नहीं था। जैसे मैंने कहा रशिया में ये कि रशियन में पेपर देना है, और बच्चों को बताओ ना कि पढ़ोगे इंग्लिश में, पेपर दोगे रशियन में, कोई जुगाड़ भी नहीं चलेगा, क्योंकि रशिया से बिग कंट्री, वहाँ पैसे देके पेपर पास नहीं होगा जो रशिया का लाइसेंस एग्जाम है। सो इज़ फॉर ऑल अदर कंट्रीज। मैं बार बार रशिया का नाम ले रहा हूँ तो डजंट मीन कि मैं रशिया के अगेंस्ट हूँ। तो इस तरह की बातें, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। और 2022 वैसे भी नया, तो मैंने कहा भाई हमने तो कोई नहीं भेजेंगे, जो फ़ोन आए मैंने किसी के थ्रू जाओ, हम नहीं कर रहे। क्योंकि देखिए मैं ही नहीं चाहता ना, हमने तो यहीं रहना है। सब जानते हैं जो दिल्ली में मेरे ऑफिस आते हैं कि ये पूरी जिस कोठी में मैं रहता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर में मैं रहता हूँ, तो ये हमारा एड्रेस है। पिछले 40 साल से हम यहाँ रहते हैं और होपफुली अगले 30 साल तक मैं तो यहीं रहूँगा, मेरा कोई प्लान नहीं है कहीं और जाने का। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। तो हमको तो पेरेंट्स को आज भी मिलना है और 10 साल बाद भी मिलना है और 5 साल भी मिलना है। हम कोई अपना ऑफिस बंद करके भागने वाले तो है नहीं कि किराए का एक शानदार सा ऑफिस ले लिया 4 महीने के लिए और 4 महीने के बाद गायब आप सबको बेवकूफ़ बना के। तो इसलिए भाई जब तक मैं श्योर ना हूँ, जब तक मुझे कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं बच्चे और पेरेंट्स को 6 महीने साल बाद फेस कर सकता हूँ, तब तक मैं काम नहीं करता। और इसलिए जो इतना बड़ा फिलीपींस में काम हो गया, हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि 2021 में जो हमने बच्चे भेजे थे वो 18 नवंबर 21 के रूल आने से पहले भेजे थे। रूल आने के बाद कोई बच्चा नहीं भेजा, 2022 में कोई बच्चा नहीं भेजा। मुझे पता था कि एडवांस में कि फिलीपींस कभी भी लाइसेंस देगा नहीं, बड़ी अच्छी कंट्री कभी भी नहीं देगी। देखिए मतलब दे सकती है, बड़ी अच्छी कंट्री ना हमारे रूल बेंड नहीं करेगी, छोटी कंट्री फिर भी रूल बेंड कर देंगी। तो किर्गिस्तान जिसकी खुद पॉपुलेशन 50 लाख है, उनके जब हमारे 10,000 बच्चे पढ़ते हैं ना उनके 5 साल में या 15,000, तो 15,000 बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किर्गिस्तान की इकनॉमी में या जॉर्जिया की इकनॉमी में। तो शायद वो पूरी कंट्री हमारे लिए रूल चेंज कर देगी ताकि NMC फिट हो जाए, NMC के रूल्स, दे नीड अवर स्टूडेंट्स। बट बांग्लादेश खुद एक बड़ी कंट्री है, चाइना रशिया सुपर पावर हैं, फिलीपींस भी 11-12 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो सिर्फ हमारे बच्चों पे नहीं जी रहे, हमारे बच्चे का रेवेन्यू एक बहुत छोटा सेगमेंट है उनके लिए। तो यही मैं सबको लॉजिकली समझाता हूँ कि तभी इन 4 कंट्री से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो अपने रूल चेंज करेंगे, रशिया, चाइना, बांग्लादेश एंड फिलीपींस। यूक्रेन भी बड़ी कंट्री थी, पर यूक्रेन तो खैर कुछ बचा ही नहीं। तो चूँकि हमारे में तो दिमाग है, हम इस तरह से लॉजिकल थॉट सोचते हैं, हम बच्चों को ठीक से गाइड कर पाते हैं। और यही
तरीके से हम गाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री में आपको जाना है। तो मेरी सलाह ये है MBBS अब्रॉड में अभी भी कोई आफत नहीं है, सिर्फ नेपाल की सीट्स हैं जो कि भर रही है क्योंकि वह लिमिटेड सीट्स हैं, या चाइना की, चाइना वैसे आजकल कम बच्चे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ चाइनीज़ पेपर। और बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, आप अपना रिजल्ट का वेट कर सकते हो। जो मेरे पास आता है मैं हमेशा ही कहता हूँ कि पासपोर्ट बनवा के रखो, आपको मोटा मोटी फीस का आइडिया है, फर्स्ट ईयर में कहीं भी बाहर जाओगे 6 से 9 लाख देने हो, पैसों का इंतजाम रखो। और एडमिशन्स आप सबके आराम से जुलाई में हो जाएंगे, जून भी नहीं, तो रिज़ल्ट आने दो, तब तक और क्लैरिटी मिल रही है MBBS अवार्ड के सेगमेंट में भी, और क्लैरिटी आ रही है अगले एक महीने इस जून में, जून 23 में और क्लैरिटी आएगी। और मे भी शायद मैं ही आपको वीडियो बना के दूंगा और 15 दिन बाद 20 दिन बाद कि कौन कौन सी कंट्री हैं, कौन कौन सी ऑप्शन है जो बिल्कुल NMC में फिट हो रही है, और फिर आप डिसीजन ले सकते हैं मेरे थ्रू जाइए या हिंदुस्तान में फैले हुए 5000 कंसल्टेंट के थ्रू जाइए। बट आपको पता होगा कि मैंने किस कंट्री या किस कॉलेज में ही जाना है। आई होप आपको पसंद आया। नमस्कार।